हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों को अपने इस चैनल डीपी क्लासेस से स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ एक सिंपल सा है, बिल्कुल बेसिक पार्ट है पॉलिनोमियल्स का, और अक्सर कर वन मार्क्स में या हाफ मार्क्स में ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम देते हैं उसके अंदर आपके आता है। क्या आता है? ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, इसको हम कैसे पहचाने, ठीक है। हिंदी में अगर बोले तो इसको बोलते हैं हम कोटि, ठीक है, या घात, पावर, घात हो गया पावर, उसको कोटि। तो सुनिएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पहली बात तो पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल दो तरीके से, पहले तो ये देखिएगा पॉलिनोमियल्स के ऊपर वेरिएबल, एक तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हुआ, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया, और एक पॉलिनोमियल आपका हुआ मोर देन वन वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल। मैं दोनों का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेता हूं। पहला वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल, जैसे मैंने एक लिया x रेज़ टू पावर 6 प्लस x रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 3 प्लस 2x प्लस 5, एक वेरिएबल ये हो गया, एक पॉलिनोमियल ये हुआ, ठीक है। एक पॉलिनोमियल लिया मैंने x रेज़ टू पावर 5 y प्लस x रेज़ टू पावर 3 x रेज़ टू पावर 3 y प्लस x y प्लस 5, ठीक है, एक पॉलिनोमियल ये हुआ। ध्यान से समझना, ये हुआ वन सिंगल वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल जो है खाली x ही है, ठीक है, जबकि यहाँ पे टू वेरिएबल है, मोर देन वन वेरिएबल, x y वेरिएबल। तो अब इंक्रीमेंट कैसे, डिग्री कैसे फाइंड आउट करूंगा, कैसे पता पड़ेगा, जब वन वेरिएबल हो उस केस में जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन्स पावर, उनको देखते हैं, ठीक है। हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाइएस्ट एक्सपोनेंट, हाइएस्ट एक्सपोनेंट मीन्स पावर, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है, हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। जब वन वेरिएबल, जैसे कि इसके अंदर हम ध्यान से देखें तो हाइएस्ट पावर इस एक्स की किस क्या है, ये, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी आपकी 6 होगी, इज दैट क्लियर, ठीक है। अगर मैं इसमें आऊं, मोर देन वन वेरिएबल है उस केस में क्या होंगे, तो उस केस में इसमें, अच्छा इसमें टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल टर्म्स हो गए 5 टर्म्स। अब इसमें टर्म कितने हैं, 1, 2, 3, 4 टर्म्स है, ठीक है ना, प्लस या माइनस ये डिसाइड करता है, टर्म्स को सेपरेट करता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में अगर कोई वैल्यू है तो उसको सिंगल टर्म हम काउंट करते हैं। सो मोर देन वन वेरिएबल उस केस में क्या करेंगे, ईच एंड एवरी टर्म में जो आपके वेरिएबल्स हैं उनके पावर्स को क्या करेंगे, हम एड करेंगे। तो क्या लिखोगे, एड, एड एक्सपोनेंट या फिर पावर बोलो, पावर ऑफ ईच, पावर ऑफ ईच वेरिएबल इन ईच टर्म, इन ईच टर्म। कैसे समझना, जैसे ये वाला लिया तो इसका मैं ऐड कर रहा हूं, एक्स के ऊपर पावर कितनी है 5, या वाई के ऊपर पावर कुछ नहीं बाय डिफॉल्ट 1, तो 5 प्लस 1, ठीक है ना, ये आ गया मेरा 6। इसको ऐड करूं तो 3 प्लस इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1, तो ये हो गया मेरा 4। इसको मैं ऐड करूं तो क्या कर, देखो दोनों के ऊपर कुछ पावर नहीं है तो 1 1, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2। और यहां देखिए इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं है तो 0, ठीक है ना। तो हाईएस्ट कितना है दोनों का, 6 है, देखो यहां 6, 4 और 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, आई एम श्योर आप समझ गए, जो हाईएस्ट पावर होगी इस दोनों की जो एड करने का है 6, तो इसकी भी डिग्री 6 हुई, आई एम श्योर समझ में आ गया। तो वन वेरिएबल का होगा वो आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, बट जो मोर देन वन वेरिएबल हो तो ईच एंड एवरी टर्म्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके पावर्स, उनके एक्सपोनेंट को एड कर देंगे, या थ्री वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड तो तीनों के पावर्स को एड करते हैं, और जो हाईएस्ट बनेगा एड करने के बाद वही उस पूरे कंप्लीट पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगा। तो आई एम श्योर अच्छे से ये समझ में आ गया, फिर भी कहीं कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स कीजिए, और कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं उसको 100% कोशिश करूंगा कि आपके उन डाउट्स को क्लियर किया जाए। बट आप कंप्लीट इस वीडियो को देखिए, और अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो आई एम श्योर आप लाइक करेंगे, लेकिन अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिन्हों इन टॉपिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।